तो भिंडी को तड़का लगेगा सरसों के ऑयल में, और मेरे पास दाल भी है। दाल को मैंने ना मेरे दिल में लंगर स्टाइल बनाया था, एंड लकीली वो हिम्मत को लंगर के स्टाइल की ही लगी। अपने आप बोल रहा था कि मामी दिस दाल टेस्ट लाइक लंगर दाल। मैं क्या कि आई मीन इट्स अ सक्सेस। सो भिंडी को स्पीड से काटना पड़ेगा क्योंकि मैं तड़का लगाना शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि वी आर हंग्री। क्योंकि आज मुझे अगली स्वेटर की शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। अगली स्वेटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हस्बैंड ने थाली ले आन दी अपनी एड्डी तगड़ी इन्ना मटीरियल भी नहीं प्यारियाँ कर दी गई। सो दिस इज माय नॉट सो हैंडसम हस्बैंड, एंड कुछ टेंशन चल रही है ना दिमाग च, चाकू च कोई गलत लगी दी चीज। ओके, सो हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आज के बाद कभी भी मुझे परांठा मत बना के देना प्लेन, जिसको मैं हमारे दुआबे में परौंठी बोल दें। ये तो ही परांठा बोल दे, आई डोंट नो फॉर सम रीजन हम परौंठी बोल दें, क्योंकि वो परौंठे की छोटी बहन निक्की क्यूटी है। सो उन्होंने मुझे कहा था जो मर्जी हो जाए, मैंने गाला कड्डी, मैंने कुछ भी करी, परौंठी ना दई। सो अभी कह रहे हैं परौंठी दे। गाइस आपके हस्बैंड भी बिना परौंठी के खाते नहीं है। तेरा टेस्ट आ, मैं तो मंगनी है, तू अपने आप नु किद्दां रोकदियां मैनू देख ले। वेरी नाइस, दाल पा लो, इच पा लो। मैं ना दाल बनाई है कि लंगर वर्गे स्टाइल स्वाद दी होवे। ई तो सारा दाल सादा ही स्वाद दा ना मंगेंगे तो ये स्वाद ही है। फिर सादा ना देना ओ प्रभु दे उत्सव, प्रभु दे। मैं फिर फुलके ही देने प्यारी आज। आज गुस्से काली भिंडी काली भिंडी वेखी है ना, ओ तुहानू असल च दिखी नहीं है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਿੰਡੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਬਸ ਗਈ ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਖੱਟੀ ਭਿੰਡੀ ਲੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਧੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਯੂ ਆਹਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਭਿੰਡੀ
तू उठे कह देना ही आंटी एक फुलका मैं भी खाऊंगा। आंटी ने कहना पुत तेरी मम्मी बुलान दी तू अपने घर जा। गाइस ऐसे होता ना कई नेबर्स के घर में आप जाओ तो उसकी मम्मी आपको भगाने के लिए कहती पुत तेरी मम्मी सद दियो नहीं आ जा। सो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे हस्बैंड ने उनके घर में भिंडी रखी इनका दिल करा खाने के लिए देखते रहे। आंटी इनको कहती पुत जा तेरी मम्मी सद दिया तू चले के का मम्मी नहीं सद दी है ये उस दिन दी काली काली भिंडी लभी जांदा है बंदा। एक गल ना गाइस 30 साल पुरानी ट्रॉमा है ना बंदे का। ओके सो मैं आई हूँ क्विक लंडन ड्रग्स लिपस्टिक्स देखने के लिए। एक्चुअली मेरे को वॉशरूम यूज़ करना था तो लास्ट टाइम यहाँ पे रेवलॉन की जो मैंने सुपर स्टे मैट लिपस्टिक बताई थी ना आपको वो सेल पे थी। यूजली 15 की होती है यहाँ पे $9 की थी। मैंने कहा कि दोबारा लगा होगा तो मैं जो शेड्स खरीदना चाहती हूँ वो खरीद लेती हूँ जितनी देर हमें वॉशरूम यूज़ करता है पर नहीं है। सो ऐसे ही मेकअप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे क्योंकि ऐसे एक्सप्लोर करते करते पता चलता है कि कई चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पे हैं सो उनमें हम लोग स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। और लंडन का कंसीलर लुक एट दिस इन लोगों ने अपनी पैकेजिंग बिल्कुल शेप टेप जैसी बना दी है। क्या ये काम भी वैसा करता होगा द मल्टी टास्कर कंसीलर लगता तो सोना पा। शेड्स भी कितने हैं वैसे लंडन ड्रग्स में ना प्राइजेज ज़्यादा सही नहीं लगते मुझे थोड़े हाइयर साइड पे ये रहते हैं। यहाँ पे ना एक ये रैक्सा है इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशल प्राइस पे हैं। हम एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ ऐसा है जो मेरी हेल्प कर सकता है अगर होगा तो फिर हम ले लेंगे। लिप ग्लॉसेस नहीं मुझे इतनी अच्छी लगती। कंसीलर फॉर सम रीज़न वही सेल पर लगते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन के हैं तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको कॉन्ट्रोल करने के लिए यूज़ करनी है। सो एक मैट मेकअप 50% ऑफ पे है पर अगेन बहुत ज़्यादा डार्क शेड। आई थिंक कुछ खास नहीं मिलने वाला है यहाँ पे किसी और स्टोर में जाते हैं और हिम्मत आ चुका है। देयर इज पीछे हैगा की है कुछ लेके आया अपने लिए किन्ने का अगर 50 सेंट का आया तो ला ला। Oh, so guys, this is some candy. It's so cool. So you open it. You take out the candy, dispense it in, and then you open this, and it just dispenses it out for you. So cool. Okay, chalo then. I'll check kar lenne ya then la lenne. Chal. Sadi na investigation karna hi hai. Aur lagta hai dono mommy and son ki karande. That is true. She was like, huh? Hey. That's an incident right there. The checker. She wants to act all cool and stuff. हिम्मत पिक करने वाला है ये पता नहीं बकवासी चीज़। इसमें कैंडीज है डिस्पेंसर है एंड थल्ले थोड़ा सा रीफिल है हमेशा बोलता रहता। सो अज तू ले लेगा एंड देन यू नेवर आस्क अगेन ओके। अभी इसकी कंफ्यूजन होगी कि क्या लूँ। आई शुड गेट दिस बिकॉज़ इट्स टू ऑरेंजेस पोकेमॉन या आर वी टू ओ गर्ल्स आर पिंक आई पिक्ड पोकेमॉन ओके चल पे करिए। सो नाउ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है डिसाइड करना कि की लेता जाए आप ये तेरा मिनियन पर वो कैंडी नहीं स्वाद। ओके लेट्स गो देन पे ले लिया है मैंने फालतू जी कैंडी एंड हजारों सालों से रो रहा था ये। ओके लेट्स गो नाउ globe. It's pretty easy actually. You just put water and some glitter. Boom magic. So cool. So ये पूरा section art and craft का है। अगर आपको DIYs करने हैं आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। गर्ल्स के लिए हेवन है। जब हम बचपन में चीज़ें बनाना चाहते थे चीज़ें नहीं मिलती थी ना और डॉलर स्टोर के डॉलरामा के प्राइसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों की ऑप्शंस है।
सो मैंने ना अपने कुछ कपड़े सीने की मैंने ना ये धागे देखे, ये दो दो चार पाँच फाइव फाइव पाँच पाँच का पैकेज है एंड बहुत अच्छे कलर्स हैं। एंड अगर आप फैब्रिक लैंड से लेने जाएंगे तो धागे बहुत महंगे आते हैं, पर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पर सम टाइम आपको कुछ थोड़े बड़े टंके मंके मारने की ज़रूरत होती है, तो मैं ये दो लेने वाली हूँ। एंड हिम्मत एक्सप्लोर कर रहा है कि उसे क्या क्या चाहिए। मून एंड यू कैन चेंज इट एनी कलर यू वांट, प्रीटी कूल। सो बेसिकली वी आर टेलिंग यू व्हाट यू गाइस कैन फाइंड इन डॉलरामा। सो अगर आपको ऑर्गेनाइज करने का शौक है, बहुत सारे तरह तरह के बॉक्सेस एंड हमेशा कुछ नई नई क्वालिटी की चीज़ें भी आती रहती हैं, तरह तरह की बाल्टियाँ, डब्बे, ग्लास का मटेरियल, जार्स। सो अगर आप खाना बनाने के लिए लेट हो गए तो हिम्मत ये बेल बुलब जा के आपको बुला सकता है कि मम्मी टू लेट। तो ये सर्विंग ट्रेस वेरी क्यूट एंड एलिगेंट, और सूप के लिए वो प्यारे प्यारे बोल्स। ओके सो फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं। ये बैग के क्लिप्स हैं एंड आल्सो अगर आप चीज़ें काटते हैं एंड फ्रिज में रखना चाहते हैं रीयूज़ करने के लिए, रीयूजेबल सैंडविचेस के मग्स हैं। एंड आल्सो दिस डूड इज़ वेरी क्यूट, इसमें आप अद्धी बची हुई सब्जी भी रख सकते हैं। है ना, मैं डॉलर स्टोर से बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ। एंड ये देखना ये कितना प्यारा है स्टोरेज के लिए, इसको आप रखें और इसको टर्न कर सकते हैं, टर्नेबल है ये। डॉलर स्टोर इज़ क्यूट। क्लीनिंग भी कोई सप्लाईज तो नहीं चाहिए थी। Somebody's mommy said no. For all of these items. Oh, and this. सो हमारा अगला स्टॉप होने वाला है माइकल, बिकॉज हिम्मत नीड सम सप्लाईज एंड आई वॉन्ट टू चेक सम बोज एंड रिबन्स, सो मैं अपने क्रिसमस ट्री को कम्प्लीट कर पाऊँ। अपन ना बर्नड ऑरेंज या डार्क रेड रिबन चाहिए, रिबन दे भी 40% ऑफ अज, रिबन इतने भी 40% ऑफ। थोड़ी सप्लाईज ऐड कर देंगे। एंड इसको इसमें ऐड करेंगे, 40% ऑफ चल रहा था। मेरा बहुत लंबे समय से मन कर रहा था कि हमारे डोर पे होना चाहिए, सो दिस इज़ अ गुड डील। और रिबन्स भी लिए हैं, बर्नट ऑरेंज किस्म के चाहिए था पर नहीं मिले, गोल्ड है ये। एंड एक कैंडल मिली है हमें बहुत अच्छी खुशबू वाली, और ये हिम्मत ने पसंद की है। इट्स लाइक मिड नाइट फॉरेस्ट, एटीट्यूड। ओके सो पुट इट बैक, सो वी आर डन। ओके दोस्तों, तो हम लोग डन हैं। जैसे मुझे रिबन चाहिए थे वैसे नहीं मिले हैं, पर हिम्मत मेरे साथ आना नहीं चाहता था। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि उससे मैं उसका कुछ फेवरेट खिलाऊंगी, और अब बारी आती है उसकी हेयर कट करवाने के लिए जाना चाहते थे हिम्मत का, पर आज संडे है तो वो 4 बजे बंद हो जाता है, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। सो कल जाएंगे, क्योंकि हिम्मत के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, इसके बाल मेरी तरह बहुत ही वॉल्यूमिनस हैं और बहुत अजीब लगते हैं लंबे। एंड हमें सुबह कितना टाइम लग जाता है इसको स्टाइल करने के लिए, सो या कल कराएंगे। अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, हिम्मत को कुछ लेके दूंगी मैं, एंड मैं भी एप्पल पाई खा सकती हूँ। एंड बैग नहीं उतारूंगी मैं, अद्धी रखूंगी। सो या दैट्स द न्यूज़, लेट्स गो। यू क्यूटी पटूरी, यू सो क्यूटी बट नो इट्स ऑलरेडी अप वे टू मच, सम डूड डिड सम ग्राफिटी एंड नाउ इट्स जस्ट Sky, वेखे किदा दा लगदा वे आज। Good evening. Thank you for choosing McDonald's. Are you collecting points on our app today? Yes. Can I get your coat, please? Just a moment. Perfect. You're into the points there. What can I get for you today? Can I have 10 chicken nuggets? Was that with barbecue sauce? No, habanero sauce. Habanero, okay. Yes. And large fries. Did you want to add a drink to make it all a meal today? Yes, please. Okay. A Coke. Was that large as well? Yes, and less ice. And can I get an apple pie, please? One apple pie is $1.59, or you can get two for $1.99. Okay. So we got 10 nuggets with half an arrow, large fry, large coke, and the two apple pie. Yes, please. Manne, why that guy sounded like nipples? That's so true. Yeah? Mama, the apple pie.
Yes, yes, you can. Next window, enjoy your afternoon. Thank you, dear. You too. You too. You too. You too. Oh, it is this guy. The nipple. Guys, Netflix ki wo series Baby Reindeer dekhi aapne? Mujhe bahut achhi lagi. Himmat wo dekhi hai thodi ji? Little bit. Aapne dekhi hai? उस ट्रू स्टोरी पे है ना, तो उसको देखने के बाद कुछ देर तक हम लोग सारे ही ब्रिटिश एक्सेंट ही बोलते रहे. What's your problem, Nipu? You're my baby reindeer. You're so lovely. Yeah, so that's a story about baby reindeer. अगर आप में से किसी ने देखी है तो मुझे बताना. बट बहुत कम सीरीज देख रही हूँ मैं, बहुत कम कंटेंट कंज्यूम करती हूँ. एवी मुझे लगता है तभी देख ली थी मैंने जब आई थी. ओके, किसी ने मुझे पूछा है कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन. वैसे मैं आजकल वेजिटेरियन हूँ कुछ महीनों से. एंड अर्लियर भी मैं बहुत ओकेजनली हेलो ओके टाइम लगना नगेट्स ली कहती उत्थे ला दो. अच्छा, सो अर्लियर पे मैं बहुत कम, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही पिकी चीज़ें ही खाती थी. नॉन वेज में सिर्फ चिकन खाती थी. एंड वो चिकन भी चिकन ब्रेस्ट, और वो भी कुछ पर्टिकुलर किस्म से बना हुआ हो, जैसे तंदूरी स्टाइल टिक्का हो. करी नहीं खा सकती हूँ, करी में चिकन नहीं खा सकती हूँ, रोटी में बुरकी पर के नहीं खा सकती हूँ. बहुत ज़्यादा मैं पर्टिकुलर थी, बहुत थोड़ा खाती थी ओकेजनली. सो उसको या ये चिकन का बर्गर खा लेती थी मैं वंस इन अ वाइल. जूनियर चिकन, बड़ा चिकन का बर्गर नहीं खा सकती थी. सो एनी मैनू प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इन्ना मैं क्रेव ही नहीं करती थी. सो अब मैं वेजिटेरियन हूँ, अभी मैं एग भी नहीं खाती हूँ. एंड ऑल्सो अनियन भी मैं रॉ खाना मैंने बंद कर दिया है. अनियन कुक मैं खाने में मुझे अर्लियर ही बहुत प्रॉब्लम थी. सो कोशिश है कि गार्लिक भी हम कम चीज़ों में यूज़ करें. सो कमी में गार्लिक यूज़ कर रहे हैं. एंड गार्लिक जिन चीज़ों में बहुत नेसेसरी है, जैसे दाल में, दाल मखनी में स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ठंडी दाल होती है एंड जोड़ों में दर्द होता है, तब मैं ही खाती हूँ. राजमा में ऐड कर लेती हूँ. बाकी जिन चीज़ों में अवॉइड कर सकते हैं करते हैं. क्या गार्लिक एंड अनियन बहुत स्केरी है? जो लोग साधक हैं उनके लिए उनको डिफरेंस पता चलेगा, कि जब वो साधना करते हैं तो पता चलता है कि आज में कल से डिफरेंट था. नॉनवेज तो बिल्कुल बिग नो नो है, अंडे भी नो ही हैं. सो अगर अनियन गार्लिक कम खाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे, वो ज़्यादा हेल्प करेगा, बूस्ट करेगा. सो ये जो फीलिंग है नॉनवेज नहीं खाने की, ये जब आपके अंदर से आएगी तभी अच्छा है. जब आपको कोई कहेगी हाय 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 बुरा है वो नहीं अच्छा. जब तक आपका मन नहीं करता, आप अंदर से जागते नहीं है, किसी के कहने पे नहीं कर रहे हैं, तो अलग बात है. पर जब आपके अंदर से भावना आती है, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक कि ओके अब आपको नहीं खाना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू ईट. क्योंकि आपको पता है कि नहीं खाने से आपको क्या क्या हो सकता है. सो यस, ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. And I don't want you to leave it because जब आप जागेंगे तब आप जागेंगे. हिम्मत को भी नॉनवेज बहुत कम ही खाता है वो. बट घर में मैं, मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कुक कर रहे हैं. हस्बैंड वेजिटेरियन मुझसे बहुत समय पहले ही हो गए थे. थैंक यू सो मच. सो हस्बैंड मेरे से बहुत समय पहले वेजिटेरियन हो गए थे. हिम्मत को हम पुश नहीं कर रहे हैं, हम उसे ओकेजनली खिला देते हैं. बट लेटर मेरी कोशिश होगी कि हिम्मत वेजिटेरियन बन जाए. तो दैट्स द स्टोरी. अल्लाह माने पर वंस इन अ वाइल चिकन नगेट्स खा लेता है या कुछ बर्गर खा लेगा या कुछ बाहर से. घर में मैं नहीं कुक कर रही हूँ. पर अगर मुझे हिम्मत के लिए कुक करना भी पड़े तो मैं नहीं करूँगी. हस्बैंड को कहूँगी कुक कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए. सो या दैट्स द स्टोरी अबाउट नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन. एंड और भी एक बात करना चाहती हूँ, अगर घर जाके करेंगे. लड़के ने खाना शुरू कर दिया. हाँ तो तू साफ कितने सैनिटाइज. ओके, घर जाके मिलते हैं गाइस. सो हिम्मत तैयारी कर रहा है अपनी, ऊपर जाके खाएगा वो. I want some fries, by the way. I don't know why they just discontinued a spicy chicken nugget. Maybe if fries are McDonald's wale lifafe ch pa dena apne chich fries honge. No, more. ओके दोस्तों, हम लोग घर आ चुके हैं. एंड ये वाला रीत लेके आए हैं हम लोग. एंड बहुत ही प्यारा है, क्लीन है. एंड इसमें ऐड करने के लिए मैंने ये चेरीज ले ली हैं सेपरेट से 5. एंड अब इसको इसमें ऐड करेंगे एंड देन इसको हम डोर पे हैंग करेंगे. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. दिस इज़ सो क्यूट.
सो पहली बार होने वाला है कि मैं क्रिसमस रीत अपने डोर पे ऐड करूँगी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड इसको हम अच्छी तरह इंस्टॉल कर देते हैं ताकि कहीं पे ना जाएं ये चेरी, क्योंकि ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है. 13 में पड़ेगा. सो यस लेट्स दैट. ये चेरीज भी बहुत शाइनी है एंड इसको आप लेटर स्टोर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा नेचुरल लुकिंग सा रहे, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी नकली सा नहीं, जिससे पता चले कि यार असली ऐसा हो ही नहीं सकता है, नॉट लाइक दैट. सो ये कुछ वैसा ही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सो 40% ऑफ चल रहा है माइकल्स में. अगर आपके पास है माइकल्स तो ज़रूर से जाएँ एंड अपना प्यारा सा DIY आप खुद से बना लें. सो यस दिस इज नाइस एंड क्यूट. आई होप यू गाइज कैन सी. नाइस एंड क्यूट राइट. इसको हैंग करके आती हूँ मैं डोर पे ना. एक लूपी लूप एक्चुअली मैंने ऑलरेडी लगा के रखी है. आई डोंट नो ये उस पर सेट आएगा या उसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा. हाँ ये तो नहीं है, वैसे उसको कर सकते हैं पर उसको ना हैंग करने के लिए लूपी लूप बनाते हैं. मेरे पास ये प्यारी सी रस्सी है सेबे वाली, इसमें ना एक हैंग करने के लिए बनाते हैं. I need Ganji. With all the things I didn't say, that I will make it okay. Turn back time, never let you slip away. Every heartbeat, every breath is filled with thoughts of you. I am so lost. So I'm happy, very happy now. So और क्या क्या लिया है हमने? कैंडल, फॉरेस्ट मिडनाइट जलाती हूँ अभी. इसकी खुशबू अच्छी है, थोड़ी पेपरमिंट जैसी भी है. लाइक आप ना कुछ बेक कर रहे हो घर में, थोड़ी ग्रीन भी है, लाइक ग्रीनरी जैसी सेंटेड. ओके पता नहीं है क्या है इसमें. सो उसके बाद रिबन्स हैंग करेंगे, पर पहले फ्राइज़ खा लेते हैं. फ्राइज़ ऑलरेडी ठंडी हो गई होंगी घर पहुँचते. सो आज संडे है एंड मैंने कुछ स्वेटर्स को धोया है हाथ से एंड इनको मैं इसी रूम में सुखाना पसंद करती हूँ, मेरे ब्यूटीफुल मेकअप रूम में. एंड ये बहुत प्यारी सी गैप की गुलाबी कोटी है. आपने पता नहीं मुझे इसको पहनने देखा होगा या नहीं, पर यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए. एंड और भी हैं दो चार कपड़े. ये ना एक्चुअली मैंने एक अगली स्वेटर भी लिया है इस बार क्रिसमस के लिए, इसको भी मैंने धोया है पहनने से पहले, क्योंकि बहुत स्मार्ट हूँ मैं. सो वैसे तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हैं. आज मैंने इनको हाथ से नहीं धोया है, पर मेरी मशीन में डेलिकेट करके क्विक वॉश किया है लाइक 15 मिनट. पर इनको ड्राई हम एयर ड्राई करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, कोटियाँ श्रिंक सी हो जाती हैं. वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं दोस्तों. ये एक प्यारा सा टॉप है, इसको भी मैंने ऐसे ही धो लिया है क्योंकि थोड़ा गर्म किस्म का मटीरियल है ये भी. सो ऑलमोस्ट शिट, आई हाय बैटरी बंद होगी. सो आज क्या करेंगे, बहुत ही प्यारी सी बातें करेंगे. आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप बहुत ही प्यारी फुलफिलिंग ज़िंदगी कैसे जिए. हम लोग इस धरती पे आए हैं ज़िंदगी जीने के लिए. ज़िंदगी को सिर्फ कट्टे मत जिए और उसको बहुत ही मज़ेदार. ओके सो बैटरी डेड हो गई थी. जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करना हो तो बैटरी को डेड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है. सो फिर भी जल्दी जल्दी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं. सो फुलफिलिंग ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन हैं. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वो कौन है और उनको क्या पसंद है. वो बस ज़िंदगी डिफ़ॉल्ट मोड पे चलते रहते हैं. सो प्लीज़ जानें अपने आप को कि आपको क्या अच्छा लगता है. वो कैसे जान सकते हैं, ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है. बहुत बार लड़कियों के लिए ख़ास है कि वो
अपने डैड के घर में डैड के रूल्स के हिसाब से रहती हैं, फिर हस्बैंड के घर में हस्बैंड के रूल्स के हिसाब से, और उनको पता ही नहीं होता कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कैसी है. सो आइडेंटिफाई करें कि आप कौन हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. ना ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा जब आपको पता होगा कि आपको चाहिए क्या. और ज़िंदगी में जो भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं आपके, उनको लेट गो करें. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको याद करके अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हम उसको पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं. सो उसको लेट गो कर दे. जैसे कोई पास के ट्रॉमास, कोई अब्यूज़, कोई बुरे पार्टनर या कोई भी ऐसी स्टोरीज जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेट गो करें. उसके लिए भी ध्यान काम करेगा. आपका माइंडसेट चेंज करता है सिर्फ ध्यान, तब आप उन चीज़ों को छोड़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे. क्योंकि ज़िंदगी नाव में चलती है, ना वो फ्यूचर में चलती है ना वो पास्ट में. सो नाव को इन्जॉय करें, जो हो चुका है उसको भूल जाएँ, भूले मत, फॉरगिव कर दें एंड आगे बढ़े. एम्पथी एंड कंपैशन को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, पर उनके दिल में कंपैशन नहीं है. कंपैशन का कैसे पता चलता है? कंपैशन का पता चलता है कि आपके दिल में करुणा आती है उन लोगों के लिए जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है. आपके बच्चों पर तो आपको आएगी, आपके पेट्स पर भी आपको आती है. क्या आपको गली के पेट्स पर आती है? क्या आपको भिखारी के बच्चे पे आती है? क्या आपके घर में काम करने वाले लोगों पे आती है या उनके बच्चों पे आती है? दैट मीन यू आर कंपैशनेट. ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये आपके दिल के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके बहुत सारी चीज़ें इससे इम्प्रूव होंगी. मैं इसके क्या फ़ायदे बताऊँ. सो प्लीज़ कंपैशनेट रहें. और अगर आप कंपैशनेट नहीं हैं और आपका दिल बहुत बुरा है, उसको नए सिरे से कैसे चेंज किया जा सकता है? अगेन ध्यान हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी को टोटली चेंज करने के लिए. अब मुझे बताना कि आपके दिल में कंपैशन आता है अननोन लोगों को देख के, क्या रोते हैं आप? और आप किससे रिश्ते बनाएंगे, कौन आपके नए दोस्त होंगे, वो सिलेक्टिव रहें. कोई भी आपकी ज़िंदगी में आता है बस दोस्त बनाते ही नहीं चले, क्योंकि जो रिश्ते हमारे ब्लड में हैं, ब्लड के रिलेशंस हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं. वो तो हैं नहीं, उनको आपने चूज़ किया है, पर जो रिश्ते आप चूज़ कर सकते हैं उसके लिए आप सिलेक्टिव रहें कि क्या आपकी ज़िंदगी में लोग वैल्यू ऐड करेंगे. ये वैल्यू पैसे को लेके नहीं है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो उन्हीं लोगों से दोस्ती बनाते हैं जो उनकी ज़िंदगी में पैसे की कोई वैल्यू ऐड करें या कुछ ऐसा नेटवर्किंग काइंड का कि वो इससे मुझे क्या मिलेगा, वैसा नहीं. कि कितना सुकून मिलता है, कितनी स्पिरिचुअल बातें करते हैं या कितना वो आपके दिल की बात को सुनता है या आपको अपने दिल की बात बताता है, वैसे रिश्ते सेलेक्टिव रिश्तों में ही अपने आप को इंडल्ज करें. बाकी चीज़ों को रहने दें, यू डोंट नीड देम. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी बातें हैं पर आज हम इसी को कंक्लूड करेंगे कि हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें. जब वो बंदा कहता है ना कि मुझे अब सब पता है, ये बंदे की ईगो है और उसको एक्चुअल में कुछ पता नहीं होता है. क्योंकि जो बर्तन भरा हुआ है वो कभी बोलता नहीं है, वो खाली बर्तन खड़कता है. सो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या कुछ है. और जितना आप लर्निंग के लिए कीन रहेंगे उतना आप फुलफिलिंग ज़िंदगी जिएंगे. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में लर्न करने के लिए. सो हम कभी पूरा सीख ही नहीं सकते हैं. जितना आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे उतना ही आप हर चीज़ में ग्रो करेंगे. ज़िंदगी खूबसूरत होगी, ज़िंदगी में ग्रो करेंगे, अध्यात्म में ग्रो करेंगे, हर तरफ में ग्रो करेंगे जब आप सीखते रहेंगे. इसलिए मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है यह सिख रिलीजन में सिख कहा गया है. एवरी टाइम यू आर लर्निंग, सीख ही रहे हैं हम लोग. सीखते ही मर जाएंगे, पर वो जो एटीट्यूड है सीखने का, एंड मुझे इतना पता ही नहीं है वो वाला, बहुत खूबसूरत है. सो यस, आज के प्यारे से ज्ञान के सेक्शन के लिए बस इतना ही.